हेलो दोस्तों, ये पार्ट 27 कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आज। इसके अभ्यास 39 बताऊँगा इस बुक की, आप देख लीजिए। इसमें कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये दे रखा है वर्ड है ये अर्जी, इसको जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मैं। अर्जी, ये अर्जी दे रखा है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में दे रखा है ये अरबी। फिर तीसरी लाइन में दे रखा है आराम, ठीक है। और ये चौथी है अरस्ट। इस्ट क्या ये दे दिया ना इसमें चाप, तो अरस्ट रिस्ट। फिर अर्घ, फिर इसके बाद है अर्द अर्दा। हालांकि ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, अर्दा अपना सेंस के हिसाब से ही घुमाना होता है इसमें। बाकी ये वाली लाइन तो ऐसी होती है, बनाने वाली होती है। आप बना के ट्राई करके दीजिए, कुछ वर्ड्स बनते होंगे। मेन लाइन छठी से स्टार्ट होती है, देखो छठी पे बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला क्या लाइन है, पाँच बरस पहले हम और लोग एक साथ जोड़ दिया इन्होंने, हम लोग। ये हो गया कल यहाँ तक, फिर कलकत्ता गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद वहाँ बहुत बड़ी बड़ी ये क्या है, इमारतें बनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद है ये उनको देखते ही ये क्या है, प्रिंटिंग थोड़ी एरर भी हो सकती है। जी खुश हो जाता था। फिर इसके बाद अगली लाइन है यह, फिर इसके बाद ऐसे लगा देते हैं तो ये यही हो जाता है, यही। इसको ये इच्छा का वो है, ई का छा इच्छा, यही इच्छा होती थी कि ये क्या है, कि कुछ दिन इसी नगर में रहा जाए, इसी कि कुछ दिन इसी नगर में रहा जाए, ठीक है। फिर इसके बाद सातवां है, ये देखते हैं आप। हमने ये क्या है, हमने खाना बनाने का अच्छा प्रबंध कर लिया था, कुछ वर्ड्स मिला मिला कर दे रहा है, ये प्रबंध का पूरा वो है, इस तरीके से बनाना है। बनाने आपको इस तरीके से बना सकते हैं, बनाना आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये ब का चाप हो गया और ये ना हो गया डबल बनाना, ठीक है।
इसमें हमारे मित्र, ये क्या है, रामेश्वर प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद एक साथ लिखा हुआ है, रामेश्वर प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद बहुत मदद करते थे, बहुत मदद करते थे, मदद करते थे, ठीक है। उसके बाद है हम उनसे अक्सर कहा करते थे, हम उनसे अक्सर कहा करते थे सॉरी कि मित्र तुम कष्ट मत करो, मित्र तुम कष्ट मत करो, मगर वो नहीं मानते थे, मगर नहीं मानते थे, मानते थे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम और वह अक्सर इकट्ठा ही बैठकर खाते थे, हम और वह अक्सर, अक्सर ये इकट्ठा का सब्जी ने, इकट्ठा ही बैठकर खाते थे। अब आठवां देखते हैं, खाना खाते वक्त, खाने वक्त का सब चीज़ है, इधर उधर, ये इधर उधर है, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा करने से चित उचट चित उचट है ये चित उचट जाता है, और अक्सर भूखे ही उठना पड़ता है, उठना पड़ता है, ये उठना है, ये पड़ता है, ठीक है। बाकी कुछ प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, पूछ लीजिए वहाँ पे।